सो हे गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज मी गौरव एंड यू आर वाचिंग पोकेमोन असेंबल। तो जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि हमारा चैनल मेनली एक एनिमे फोकस्ड चैनल है, पर हम लोग बेंटेन जैसे मास्टरपीस अमेरिकन शोज के लिए एक्सेप्शन रख सकते हैं। तो जैसा कि तुम सभी को याद ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले तुम लोगों से पूछा था कि तुम सभी का फेवरेट अमेरिकन शो कौन सा है, और उस पोल में तुम लोगों ने बेंटेन को बहुत ही ज्यादा वोट्स दिए, और इसीलिए तुम लोग आज इस बेंटेन के वीडियो को देख रहे हो। तो चलो आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि तुम सभी को पता ही होगा कि बेन टेनिसन अभी तक करीब 60 से भी ज्यादा एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और वो जिस भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है वो उसका नाम रखता है। पर उनमें से कुछ एलियंस ऐसे भी हैं जिनका नाम बेन ने नहीं रखा, उनका नाम किसी और ने ही रखा है, और उन्हीं एलियंस में से आज तुम लोग टॉप 5 एलियन के बारे में जानने वाले हो। तो ये वीडियो देखने में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो एक लाइक कर देना वीडियो को। और अभी तक तुम में से 79.8% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 5 पे जो एलियन है उसका नाम है आर्क्टिगुआना, और ये एलियन हम सबसे पहले देखने को मिला था बेन 10,000 में। तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के इस एपिसोड में फ्यूचर वाला बेन जब आर्क्टिगुआना ट्रांसफॉर्म होता है तब बेन 10 उससे पूछता है कि इसका नाम क्या है, तो वो बताता है कि मैं अपने एलियंस का नाम नहीं रखता, मैंने नाम रखना छोड़ दिया है। तो तभी ये वाला बेन 10 मतलब अल्टीमेट एलियन वाला बेन 10 कहता है कि इसका नाम आर्क्टिगुआना कैसा रहेगा। तो फ्यूचर बेन कहता है हाँ ये नाम अच्छा है। Hey, what do you call this guy? I don't name. I don't know. Absolute zero. Boring. How about Arctiguana? और अभी तुम में से बहुत लोग ये कहोगे कि ये बेन ने तो खुद ही अपना एलियन का नाम रखा, तो नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एलियन फ्यूचर वाले बेन का था और उसने नहीं रखा, उसके पास्ट वाले वर्सन ने रखा, इसलिए ये काउंट नहीं होता, और इसी वजह से ये हमारे लिस्ट में टॉप 5 पे है। तो नंबर 4 पे जो एलियन है उसका नाम है ह्यूमंगसोर, और इस एलियन के बारे में तुम सभी को पता ही होगा क्योंकि फोर आर्म्स के बाद यही एक एलियन था जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा था। सो बेन 10 रिबूट सीरीज में जब बेन पहली बार ह्यूमंगसोर में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो इसके अजीब अजीब नाम रखने की सोच रहा था, जैसे कि इगुआना मॉन्स्टर, शेर सिंह एटसेट्रा एटसेट्रा, और तभी उसके पास खड़ी हुई एक छोटी सी बच्ची ह्यूमंगसोर नाम रखने को कहती है। शेर सिंह शायद सबसे महान रक्षक। तो नंबर 3 पे जो एलियन है उसका नाम है वेबिग, और वेबिग जब बेन 10 रिबूट सीरीज में पहली बार अपीयर हुआ था तब इसका नाम किसी और ने नहीं बल्कि ग्वेन ने रखा था। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी, बेन फिलगैक से लड़ रहा था और तभी वेबिग अचानक से अनलॉक हो गया, तो वो वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वेबिग का इतना बड़ा साइज देख के ग्वेन ये कहती है कि ये तो वेबिग हो गया, और तब से हम लोग इसको रिबूट सीरीज में वेबिग नाम से ही जानते हैं। तो नंबर 2 पे है डायमंड हेड। सो बेन 10 क्लासिक सीरीज में जब हम लोगों ने डायमंड हेड को सबसे पहली बार देखा था तो हमें पता है कि बेन ने उसका नाम नहीं रखा था, उसका नाम किसी और ने यानी कि ग्रैंडपा मैक्स ने रखा था। तो इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स बेन की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसको डायमंड हेडेड आदमी नाम से बुलाता है, और तब से हम इस एलियन को डायमंड हेड नाम से जानते हैं। बहुत खूब डायमंड हेडेड आदमी। ओ हाँ, मेरा जवाब नहीं। तो नंबर 1 पे है विलगैक्स या फिर गैग्स। तो बेन 10 रिबूट सीरीज में जब बेन पहली बार विलगैक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर कह लो जब हम लोग बेन 10 रिबूट सीरीज में विलगैक्स को पहली बार देखते हैं तब ग्वेन बेन से पूछती है कि इसका नाम क्या है, इस एलियन का नाम क्या है। तो तभी बेन को उसका नाम नहीं पता था, पर बेन के अंदर यानी कि उस एलियन के अंदर जो विलगैक्स का कॉन्शियसनेस था वो बेन को बताता है कि उसका नाम गैग्स रखना चाहिए, और फिर बेन कहता है कि इसका नाम गैग्स है। तो ये थे वो टॉप 5 एलियंस जिनके नाम बेन ने नहीं रखे थे बल्कि किसी और ने रखा था। होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है, तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि तुम लोगों को ऐसे वीडियोस मिलता रहे।
और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना सभी बेंटन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।